सभी को नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मुकुल ऑन व्हील्स में। मैं हूं मुकुल और ये अपने व्हील्स जिनके थ्रू हम जा रहे हैं, जिनके थ्रू मैं कल आ गया था वापस मुजफ्फरनगर अपना ड्रोन वगैरह लेके और ऋषिकेश में ड्रोन उड़ा के। तो जैसे कि मैंने बोला था कि बैंगलोर जाने से पहले मैं मुजफ्फरनगर में कहीं ना कहीं तो ड्रोन उड़ाऊंगा, और मेरा बहुत दिन से पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में था कि जब मैं ड्रोन लूंगा जिस दिन, उस दिन मैं सबसे पहले ड्रोन उड़ाऊंगा अपने स्कूल पे जहां से मैंने पढ़ाई की है, जो कि है होली एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल। तो उसी अपने मन को पूरा करने के लिए आज सबसे पहले अपने स्कूल पे जाते हैं और स्कूल के बाहर खड़े होकर ड्रोन को भेजेंगे अंदर और पूरा स्कूल घूम के आएंगे। और मेरा स्कूल देखने का मेरा मोटिव तो ये है कि बचपन की यादें थोड़ी ताजा हो जाएंगी और थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया फील होगा। जो मेरे साथ के बैचमेट्स हैं या फिर जिन्होंने पढ़ाई करी होगी मेरे स्कूल से या जो पढ़ रहे होंगे उनको भी देख के अच्छा लगेगा, क्योंकि आई डोंट थिंक किसी ने अभी तक होली एंजल्स का ड्रोन शॉट्स या फिर ड्रोन भी किसी को दिखाया होगा। तो इसी मोटिव को पूरा करने चल रहे हैं फटाफट स्कूल की तरफ, अभी जस्ट घर से निकला हूं, और फिर उसके बाद ड्रोन एक दो जगह और उड़ाएंगे, बट पहले सबसे पहले स्कूल से स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट पहुंचता हूं मैं अपने स्कूल के पास। बिल्कुल सही टाइम आया मुझे मैं, क्योंकि स्कूल की छुट्टी हुई है अभी, और छुट्टी जब हमारे स्कूल की होती है तो सालों साल से ये रूल है कि जब हमारे स्कूल की छुट्टी होगी तो भैया बाहर की रोड जो है ना ये सारी स्कूल के बच्चों के नाम की है, पूरा जाम लग जाता है वहाँ, तो इसलिए वहाँ तो मैं गाड़ी पार्क नहीं कर सकता था। तो मैं आया हूँ अभी शोल्जर बोर्ड पे, यहाँ पे लगा है, वैसे बाय द वे बता दूं किसी को सामान खरीदना हो तो यहाँ पे लगा तिब्बतन मार्केट, जहाँ पे बहुत ही अल्टीमेट कपड़े मिलते हैं सर्दियों के। कई मैंने व्लॉग बनाया पहले, ऊपर आई बटन में डाल दूंगा तो आप देखना। अभी के लिए यहाँ से ड्रोन उड़ाते हैं, यहाँ से भेजते हैं अपने ड्रोन को स्कूल के ऊपर और दिखाते हैं कि क्या हाल चाल है स्कूल के फिलहाल। तो भैया ड्रोन तो उड़ गया और मजा आ गया ड्रोन उड़ा के, अपना स्कूल देखा अंदर से इतने सालों के बाद, क्योंकि मैं जब से स्कूल से पास आउट हुआ तब से मैं गया ही नहीं यहाँ से। और मेरा बेस्ट था यहाँ पे 2012 का 10th, क्योंकि 10th के बाद उस टाइम लॉन्डो को धक्के मार के बाहर निकाल देते थे, अब तो शायद अलाउड हो गया बॉयज के लिए 11th 12th भी, बट तब नहीं था। तो 10 साल यानी कि 22 साल ना अभी, हाँ तो 10 साल बाद अंदर स्कूल देखा मैंने, मजा आ गया। वो स्टेज जहाँ पे डांस होता था, बास्केटबॉल ग्राउंड, छोटी बिल्डिंग जहाँ पे 4th तक की क्लास थी, फिर बड़ी बिल्डिंग, फिर एक और बिल्डिंग बनी थी जो 3rd वाली बिल्डिंग है सबसे राइट में, तो मजा आ गया मुझे। तो बात क्या है कि अभी मैं ड्रोन का पायलट थोड़ा नया नया हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा डर तो लगता ही है, वरना मैं उसको और नहीं चले के जाता, बट अभी क्या है कि महंगा आइटम है और मैं अभी नौ सीखा पायलट हूँ, अभी सीख रहा हूँ मैं, 2 दिन तो मैं लिए हुए, तो कोई नहीं धीरे धीरे सीखेंगे तब और अच्छे से इसके शॉट्स लूंगा, बिल्कुल नीचे घुसा के ना स्टेज में और वहां से घुसा के लूंगा। अभी के लिए जरा मैं बाल कटाने जा रहा हूँ, थोड़ा इंसान बन जाता हूँ बाल कटाकर, तब तक सोचते हैं कि और कौन सा व्यू दिखाना है आपको, ड्रोन व्यू मुजफ्फरनगर का। देखिए पीछे मॉल निकल रहा है अपने, तो जो अपने शहर का एकमात्र मॉल है, इसको मैंने आज तक ऊपर से नहीं देखा कि कितना बड़ा है कैसा लगता है, आज देख ही ले फिर आज फायदा उठाया जाए अपने ड्रोन का। तो जी जब अपने स्कूल में ड्रोन उड़ाया मैंने, तो फिर मैं बाल कटाना रखा था यहाँ पे जहाँ मैं हमेशा कटाता हूँ, ये अपना स्टूडियो में बाल यहीं कटाता हूँ क्योंकि एक नंबर बाल कटते हैं यहाँ पे। तो जब मैंने इनसे पूछा कि भैया यहाँ पे एक स्कूल बता रहे हैं, यहाँ पे जीसी पब्लिक स्कूल, मैं नहीं पढ़ा वहाँ से पर बहुत लोग पढ़े होंगे, तो मैंने कहा क्यों ना फिर जब इतना वेट करना है बाल कटाने के लिए तो एक बार यहाँ से उड़ा के भी जो जीसी पब्लिक स्कूल है वो भी दिखा देते हैं आपको। तो भैया बाल कट गए, इंसान बन गया हूँ, दाढ़ी करा दी बहुत छोटी। छोटी कराने का रीजन ये है, इतनी छोटी मैं कभी जनरली कराता नहीं हूँ, रीजन ये है कि मैं जा रहा हूँ बैंगलोर, तो वहां से महीना 1.5 महीना बाद जब भी एक बार आऊंगा तो तब तक मैं चाह रहा हूँ कि आराम आराम से बाल बढ़े और कहीं मैं हाथ लगवाता नहीं हूँ मैं बाल दाढ़ी में। खैर बाल कट चुके हैं, इंसान बन चुके हैं, मम्मी घोड़े चलेगी दाढ़ी छोटे वाली, मम्मी घुस जाएंगी, और जीसी पब्लिक भी दिखा दिया आपको, और जीसी पब्लिक में पक्का हमारे स्कूल के होली एंजल के लड़के जो मेरे बैच के होंगे 10th के बाद पक्का कुछ ना कुछ यहाँ होंगे, और जो यहाँ होंगे ना वो लौंडे होंगे जो होंगे आफ्ती, जो आफ्ती लौंडे होते हैं ना वो आते थे फिर जीसी में, वो फिर यहाँ पे आके मचाते थे आफत। तो मैंने कहा चलो आसमान ने ये भी दिखा देते हैं, होली एंजल्स एंड जीसी पब्लिक स्कूल। अब चलते हैं घर, एक बार जरा मम्मी को नहीं दिखाया अभी तक अपना नया टॉय नया ड्रोन, तो वो मम्मी को दिखाते हैं, उनका रिएक्शन देखते हैं कैसा है। इसमें बता पहले इसमें क्या नीचे
इसमें तो मिठाई है। कौन सी मिठाई, किस चीज की? ये एक तो मिल्के के एक बालूशाही है। अच्छा, तो कहीं फेमस है क्या? बुढ़ाना में एक शॉप है उसकी, बहुत ज्यादा। नाम क्या शॉप का? शॉप का नाम तो देखो मुझे भी। अच्छा, फेमस है पर वहाँ की? बहुत फेमस है, पापा ने मंगा के दी। और इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें बालूशाही है, इसमें मिल्के। अच्छा, अलग अलग। अरे तूने गिफ्ट दिया कुछ? तो ये सब किस लिए मैं जा रहा हूँ उसे ले गया? अरे भाई, पर जल्दी से जल्दी वापस आ जाओ। जल्दी वापस आऊंगा। तो अभी जस्ट नहा धो के आया था बाल कटा के घर पे, अपना लॉयल सब्सक्राइबर जो पहले भी आपने वीडियो में देखा होगा वो आया है हर्ष, और मैं जा रहा हूँ इसलिए मेरे लिए गिफ्ट्स लेके आया है कुछ। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और अगली बार से लेके आने, ठीक है? जरा ड्रोन उठा के देखते हैं और मम्मी को भी दिखा देंगे। मम्मी ने तो सुना ही कि ड्रोन अब देख लेंगे मम्मी को के है क्या। कैसा लगा बताओ, कैसा लगा? अच्छा लगा मुझे तो, एक अलग ही कुछ दिखाई दिया, अच्छी लगी सरप्राइज सा। और मेरे ख्याल से जो तुम्हारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, बाकी वो बताएंगे अपने कमेंट में। सही बात है, लिख के बताना भाई सब कैसा लगा तुम्हें। मैं भी एक जानना चाहती हूँ उसके व्यूवर्स से और सब्सक्राइबर से कि आपको कैसा लगा थी। तो जी अभी जो आया था सब्सक्राइबर अपना, इसने ये वो तो दिया ही है मिठाई जो फेमस है, ये लिख के दिया कम बैक सून। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना इसे लिखना, चलो गिफ्ट अलग चीज है, पर ये जो उसने भावना से लिखा होगा ना जो कम बैक सून, तो ये थोड़ी अलग चीज लगती है मुझे कि वो चाहता है बेचारा दोबारा, हाँ कि दोबारा मैं आ जाऊँ वापस फिर यहाँ वीडियोस बनाऊँ। तो ये छोटी चीज ये अनमोल। हाँ भाई ना, ये जो सब गिफ्ट वगैरह बात अलग है, ये जो लिखा है अपने हाथ से कम बैक सून, ये तोहफा अनमोल होते हैं। सही बात है, सही बात है। इसको जो है आप जो है मेमोरेबल। सही बात है, सही बात है। लगा ड्रोन सही लगा? हाँ ड्रोन अच्छा लगा, थोड़ा सा महंगा है पर अच्छी चीज है। चलो, खराब होने तो बड़ी होती है, खराब होने की दिक्कत है, इसको ख्याल रखना पड़ता है, अपने से भी ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है इसका। 60,000 रुपया एटलीस्ट थोड़ा जो है ध्यान रखना पड़ेगा। अगर खराब हो जाए तो फिर सारे पैसे भी ठीक हो जाता है, ठीक होने का भी पैसे लगेंगे ना फिर। ये उसका बैग है पूरा, पेन दिया है भाई, तो पेन दिया है करिश्मा जे, बात क्या बात है, ऑलिव कलर का पेन, मेरे फोन से मैच हो जाएगा ये। बहुत बहुत शुक्रिया भाई हर्ष, अच्छा लगा कि तुमने ले लेके आया और तुमने लिखा कम बैक सून, तो जल्दी ट्राई करेंगे वापस आएंगे दोबारा से शहर की। मेरा मन मेरा भी कहाँ लगेगा तुमसे, दोबारा वापस आएंगे शहर में, शहर की वीडियोस बनाएंगे। सही बात, शहर के लोग सब, बहुत लोगों ने बोला कि भैया मत जाओ, पर जाना तो पड़ेगा मजबूरी है, बट बीच में आता रहूंगा, ट्राई करूंगा, जल्दी आ जाऊंगा। तो यार इसी के साथ फिर ड्रोन उड़ा दिया बहुत सारी जगह, और अब तो अंधेरा हो गया था तो, और लाइट भी भागी हुई थी शहर में, तो कुछ देख ही नहीं रहा था सच कोई नहीं, पर वैसे रात को उसके शॉर्ट्स बड़े प्यारे आते हैं। और पुराने ब्लॉग्स में लोग पूछ रहे थे भैया इसके प्राइस और वो सब बताओ, तो ये मुझे जो मैंने मम्मी को बताया मुझे 60,000 का पड़ा एक ऑप्शन था, दूसरा वो था मिनी 3, ये है मिनी 2, तो मिनी 3 का सोचा था लेने का, बट वो निकला बहुत ही महंगा, वो निकला 1,15,000 रुपये का। तो अपना इस उसमें उसमें ऑलमोस्ट सेम है, एक दो फीचर उसमें एक्स्ट्रा है, बट इससे भी ऑलमोस्ट सेम ही आउटपुट आता है, तो मैंने कहा क्या इतना पैसे लगाने फिर, तो 60,000 रुपये में इनफ है। बस दिक्कत की बात यह है कि ये जो ब्रांड है DJI, यहाँ की ब्रांड नहीं है, शायद चाइना की ब्रांड है, तो इसकी कोई वारंटी नहीं मिलती। अगर ये ख़राब हो गया टूट गया तो 2-4 बंदे ही हैं जो ठीक करने वाले हैं, वो भी बहुत पैसे लेते हैं, तो उसको बहुत ध्यान से रखना पड़ता है, बहुत ही ध्यान से। तो जब ये हवा में रहता है ना तो पूरे टाइम मैं मतलब मेरा दिमाग और किसी बातों में होता ही नहीं, मेरे पास ये रहती है कि फटाफट उठा के अच्छे से शॉट लेके इसको वापस बुला दो, क्योंकि कहीं रह गया टूट गया कुछ हो गया तो हाल खराब हो जाता है। खैर तो फिर अभी के लिए तो मुझे फंडा के ड्रोन शॉट्स यही वाले थे जो मेरा बताया था, मेरा मन था स्कूल पर उड़ाने का, बाकी के ड्रोन शॉट जब मैं अगली बार आऊँगा तब लेंगे मुझे फंडा करके। अभी के लिए मैं निकल रहा हूँ नोएडा क्योंकि परसों को मेरी फ्लाइट है, तो अभी नोएडा जा रहा हूँ मैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम है मेरे पास अभी, तो मैंने सोचा इस टाइम को वेस्ट ना करते हुए नोएडा पहुँचता हूँ और वहाँ पे गाड़ी की सर्विस करानी है उसको करा के, फ्री होके एक दो काम करा के फिर परसों को निकलेंगे बैंगलोर के लिए। चलो नमस्ते, चलो नमस्ते। अच्छा मम्मी फिर ठीक है, बाय। ठीक है जी, ठीक है। तो भैया पहुंच गए थे फिर नोएडा, और कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं मुझे, बहुत जो कांस्टेंट है और जो आई गेस सबके घरों में होती होगी कि घर से जब तुम निकलते हो तो तुम्हारे मम्मी या पापा तुम्हारे हाथ में पैसे रखते हैं, तो हमारे यहाँ एक सीन हमारे पापा करते हैं, तो अब जैसे कि मैं बहुत दूर जा रहा था बैंगलोर जा रहा हूँ तो उनको लगा तो उन्होंने मेरे हाथ में पैसे रखे। और सबसे मेन बात यह है कि बावजूद कि आप कितने बड़े जाओ कितने पैसे कमा लो कुछ भी कर लो, पर ये वाला जो जेस्चर है ना, ये वाला जो इंटेंशन है, ये बड़ा प्यारा लगता है और ये कांस्टेंट है बचपन से, पर ये आगे तक भी रहेगा और आई होप के रहे, सबके रहे, मेरे यहाँ भी तुम्हारे यहाँ भी सबके यहाँ रहे। खैर और जो पापा पीछे से बोल रहे थे कि 2 तारीख को आ जाना, तो वो इसलिए बोल रहे थे कि हमारे मुजफ्फरनगर में खाड़ू श्याम जी की रथ यात्रा है बहुत बड़ी, तो
तो उनका मन है कि तूने सारी यात्रा के ब्लॉग बनाए अपने मुजफ्फरनगर शहर के, तो खाटू श्याम जी की यात्रा इसका भी ब्लॉग बना, और ऊपर से तेरे पास अब ड्रोन भी है तो उसको भी उड़ा के वहाँ पे ब्लॉग बना और सबको दिखा। तो वही कह रहे थे पापा कि ट्राई करना आ जाना, तो वो सब भी देखेंगे, उसका भी प्लान बन सकता है, अगर बाबा बुलाएंगे तो जरूर बनेगा प्लान। बट यहाँ पे भी काम थे एक दो, तो यहाँ ना भी जरूरी था, सब चीजों को मैनेज करना पड़ रहा है। लेट्स सी कि आगे क्या होता है, वो तो आपको व्लॉग में आने वाले पता चल ही जाएगा। अभी के लिए फिर इस व्लॉग का इवेंट करते हैं, अगर आपके व्लॉग अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको ड्रोन शॉट्स अच्छे लगे तो भाई लिख के जरूर बताना कि हाँ भाई अच्छा लगा हमें और ऐसे हमें ड्रोन शॉट्स दिखाओ, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले ऐसे ही आपको प्यारे प्यारे शॉट्स दिखाने की। तो अब इसी के साथ व्लॉग का इवेंट करते हैं, मिलते सीधा अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट।